हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सबसे पहले तो आप सबकी बधाई कि हमने जो लोकतांत्रिक महोत्सव जिसे हम चुनाव बोलते हैं उसको पूरे एक बढ़िया तरीके से आयोजित किया। और लोकसभा इलेक्शंस का एक डिफ़िकल्ट लेवल का क्विज़ मैंने तैयार करा है। लेवल जो है वो है काफ़ी डिफ़िकल्ट, और मैंने अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने ये दिया है ये क्विज़, ऑफलाइन में मैंने कुछ स्टूडेंट्स को दिया था, कोई भी 25% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया है क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है, एक पेपर और पेन लेके बैठना है और उसमें चार ऑप्शंस जो दूंगा अपना आंसर मार्क करना है, और बाद में आपको जैसे जैसे मैं आंसर बताऊं उसके बाद आपको मैच करना है कि आप ठीक थे या नहीं थे, ठीक है। और आपको अपने दोस्तों से नहीं पूछना है, अखबार या कोई गूगल या वेबसाइट पर नहीं देखना है, सिर्फ अपना खुद का आकलन करना है कि आप कितने प्रश्न ठीक कर पाते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्विज़ है, चलिए शुरू करते हैं लोकसभा इलेक्शंस का क्विज़। क्विज शुरू करने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग और आप मुझे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल है, इनमें से कौन सा ऐसा गांव है, विच विलेज, जिसमें 100% वोटिंग हुई है इस बार। 100% वोटिंग का मतलब ये है कि अगर इस गाँव में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, मान लो 150, तो 150 के 150 लोगों ने वोटिंग डाली है, यानी जितने भी वोटिंग एलिजिबल लोग हैं सब ने वोट डाला। ये एकमात्र ऐसा गांव है इस बार लोकसभा के चुनाव में जहां पे 100% वोटिंग हुई है। इस गांव का नाम क्या है, डोंजा, काकराइया, बाराबंगल या पुत्तम राजू कंड्रेगा। 5 सेकंड का समय दूंगा हर सवाल के लिए, सिर्फ 5 सेकंड रुकूंगा फिर आंसर बताऊंगा। अपने पेपर पे मार्क कर लो फटाफट जो भी आंसर आपको मार्क करना है, ए बी सी या डी। आंसर है बाराबंगल गांव, ठीक है। बाराबंगल गांव में 100% वोटिंग हुई है। यह गांव कहां पे है, यह है कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा है हिमाचल में, तो कांगड़ा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से इस बार जीते हैं किशन कपूर, भाजपा के प्रत्याशी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किशन कपूर जीते हैं कांगड़ा से। और कांगड़ा जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसी के अंदर एक गाँव आता है जिसका नाम है बाराबंगल। यहाँ पे 135 वोटर है सिर्फ, जिनमें 75 मैन पुरुष और 60 महिलाएं, और सबने वोट डाला, 135 के 135 ने वोट डाला है, क्लियर। तो 19 तारीख को चुनाव हुए थे यहाँ पे, 19 मई को, जो आखिरी चरण था, यानी 7वें चरण में वोटिंग हुई थी इस गांव के अंदर। तो ये था पहला सवाल, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कौन सा वह लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जहां पे हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन रिकॉर्ड किया गया। हाईएस्ट विक्ट्री मार्जिन का मतलब ये होता है जो भी एमपी बना, जो भी चुनाव जीता, उसने सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता, सबसे ज्यादा विक्ट्री मार्जिन था, ठीक है, यानी पहले और दूसरे के बीच में विक्ट्री मार्जिन सबसे ज्यादा था। तो नवसरी, नवसरी है गुजरात में, जो डांडी मार्च सुनी होगी आपने, डांडी मार्च नवसरी में ही हुई थी। गांधीनगर जो राजधानी है गुजरात की, दिल्ली वेस्ट या मुंबई साउथ। तो इनमें से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, सो इसका आंसर है नवसरी। गांधीनगर भी क्लोज था, गांधीनगर में भी अमित शाह बहुत ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन आंसर है नवसरी। तो नवसरी में जो भाजपा के प्रत्याशी थे सीआर पाटिल, ये जीत गए और इन्होंने 6.89 लाख वोट से अपनी सीट जीती, ठीक है, लगभग 7 लाख को टच कर दिया, इतने ज्यादा। तो ये एक रिकॉर्ड है इस बार लोकसभा का, याद रखिए ये ऑल टाइम रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ 2019 का रिकॉर्ड है, ठीक है। और कैंडिडेट का नाम याद रख लीजिए, सीआर पाटिल। चलिए अब आते हैं तीसरे सवाल पे। इस बार कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे सबसे कम विक्ट्री मार्जिन था, यानी यहां पे जो वोट जीता, सबसे कम वोट, सबसे चुनाव जो जीता जो भी व्यक्ति, वो सबसे कम वोटों से जीता। तो आपके ऑप्शंस हैं ये, लक्षद्वीप, मछली शहर, अंडमान निकोबार या खुंटी। खुंटी, खुंटी में आपको पता होगा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा वो चुनाव जीते हैं यहां से, झारखंड। 5 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। इसका आंसर है मछली शहर, उत्तर प्रदेश। मछली शहर में खड़े हुए थे भाजपा के कैंडिडेट भोलानाथ, और ये सिर्फ 181 वोटों से जीते हैं, आप मानेंगे 181 वोट से। इसीलिए कहते हैं हर वोट इंपॉर्टेंट होता है, ईच एंड एवरी वोट इज इंपॉर्टेंट। भोलानाथ जो हैं ये मछली शहर से 181 वोटों से जीते हैं। लक्षद्वीप से भी क्लोज था, लक्षद्वीप में जीते हैं मोहम्मद फैजल पीपी, और ये जीते हैं 823 वोटों से।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा के ये अपनी जो सीट है वहां से ये भी काफी कम वोटों से जीते हैं, कुछ 1400-1500 वोट से जीते हैं सिर्फ। ये अर्जुन मुंडा 1445 वोट से जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी क्लोज मुकाबले रहे, जैसे अंडमान निकोबार में कुलदीप राय शर्मा जो हैं वो जीते हैं, इन्होंने भाजपा के विजय जौली को हराया 1407 वोटों से। तो काफी क्लोज मुकाबले रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा? समझ गए, वोट शेयर समझते हैं ना, जितने भी लोग वोट डालने वाले होते हैं उनमें से कितनों ने बीजेपी के लिए वोट डाला, उसका परसेंटेज, उसे बोलते हैं वोट शेयर। तो इनमें से कौन से राज्यों में भाजपा का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? सो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर था 69.1%, दूसरे नंबर पे था गुजरात 62.2%, तीसरे नंबर पे था राजस्थान 58.5%। यानी तीन राज्य जिनमें सबसे शानदार जीत दर्ज की बीजेपी ने, नंबर वन पे था हिमाचल प्रदेश, नंबर दो पे गुजरात और नंबर तीन पे राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वाराणसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र जहां से प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे किसने फिनिश किया? वहां पे काफी सारे कैंडिडेट थे जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे, मोदी जी तो जीत गए, नंबर वन पे रहे, नंबर दो पे कौन रहा? आपके ऑप्शन है कीर्ति रंजन, राम तेज बहादुर, धर्मेंद्र यादव या शालिनी यादव। वाराणसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से सेकंड बेस्ट कौन रहा? आंसर है शालिनी यादव, शालिनी यादव। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से दुनिया का सबसे ऊंचाई पे पोलिंग स्टेशन कौन सा है? ठीक है, भारत के अंदर है, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? खरदुंगला, फायंग, का या ताशीगांग? दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ताशीगांग। याद रखिए 2017 तक था का, मैं रिपीट करता हूं, का और ताशीगांग दोनों हैं हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति, ठीक है, लेकिन 2017 तक था का और अब 2018 में हो गया है ताशीगांग। 2018 ऑनवर्ड्स अगर पूछे तो आंसर है ताशीगांग, 2017 तक था का। इसकी ऊंचाई पूछ लें अगर 15,256 फीट पे है ये, ताशीगांग विलेज हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति 15,256 फीट। इनमें से कौन सी एकमात्र पार्टी है, ठीक है, कौन सी पार्टी है जिसने एक ट्रांसजेंडर को टिकट दिया इस बार? इस बार लोकसभा चुनाव में 5 ट्रांसजेंडर खड़े हुए थे, 4 थे निर्दलीय, 5 हार गए, 4 थे निर्दलीय, लेकिन एक एक पार्टी का था। तो इस बार लोकसभा चुनाव में एकमात्र, जो किन्नर समुदाय जिन्हें ट्रांसजेंडर बोलते हैं उनको टिकट देने वाली एकमात्र पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? इसका आंसर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने प्रयागराज जो सीट है वहां से चिरपी भवानी को टिकट दिया था, यह एक ट्रांसजेंडर है, चिरपी भवानी, उत्तर प्रदेश प्रयागराज सीट से लड़े थे, खैर ये हार गए। अगला सवाल, इस बार जो चुनाव हुए इनमें सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशियों को कौन सी पार्टी ने चुनाव में उतारा? ठीक है, वो जीती नहीं जीती वो एक अलग बात है, वेदर देव विन और नॉट उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिलाओं को टिकट सबसे ज्यादा कौन सी पार्टियों ने दिया? ये इस बार वुमेन कैंडिडेट कौन सी पार्टी ने सबसे ज्यादा इस बार फील्ड किए थे? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट? इसका आंसर है कांग्रेस। कांग्रेस ने 54 महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा और भाजपा ने 53, ठीक है, भाजपा दूसरे नंबर पे थी 53 और कांग्रेस आंसर है 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद नोवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वुमेन कैंडिडेट एमपी बनी, यानी महिला कैंडिडेट जो है सबसे ज्यादा इस बार कौन से राज्य से आई है जीत के? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या महाराष्ट्र?
मैक्सिमम वुमेन कैंडिडेट जो जीती हैं वो कौन से राज्य से जीती हैं? और पांचवा आंसर है बोथ वन एंड टू, यानी उत्तर प्रदेश और बंगाल दोनों। तो पांच ऑप्शन है इसमें। इसका आंसर है बोथ वन एंड टू, दोनों, उत्तर प्रदेश से भी 11 और वेस्ट बंगाल से भी 11। 11 एमपी बनी है महिलाएं, वेस्ट बंगाल से भी और यूपी से भी। टोटल 724 महिलाएं इस बार कंटेस्ट किया था उन्होंने इलेक्शन, और 78 महिलाएं एमपी बनी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इतनी महिलाएं कभी भी आज तक एमपी नहीं बनी, तो 78 बनी है टोटल महिलाएं लोकसभा एमपी, जो कि एक रिकॉर्ड है। और यहां पे देखिए रिजल्ट आया है 542 का। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कि सर 543 सीट होती है तो 542 का रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि वेल्लोर जो है तमिलनाडु में, यहाँ पे चुनाव कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि वेल्लोर में इतना ज्यादा कैश बरामद हुआ तो चुनाव आयोग को ये लगा यहाँ पे जो चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। तो वेल्लोर कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु में जो है चुनाव इस बार कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए 542 पे रिजल्ट आया। इनमें से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जहां पे एक जो मिनिस्टर हार गया चुनाव, समझ गए क्वेश्चन को, एक इनकम्बेंट सेंट्रल मिनिस्टर चुनाव हार गया, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से? गाजियाबाद, गाजीपुर, हाजीपुर या साहिबाबाद? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर। यहां से मनोज सिन्हा चुनाव हार गए, जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे मौजूदा सरकार में, संचार मंत्री मनोज सिन्हा हार गए गाजीपुर से। इन लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र का भाजपा का कैंडिडेट कौन है जो एमपी बना? सबसे कम उम्र का बीजेपी कैंडिडेट जिसने चुनाव जीते हैं वो कौन है? चंद्रानी मुर्मू, तेजस्वी सूर्या, आभा कुमारी या नकुल नाथ? इसका आंसर है तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या बीजेपी का है, वैसे सबसे यंग है चंद्रानी मुर्मू, लेकिन इनकी पार्टी बीजेपी नहीं है, इनकी पार्टी है बीजू जनता दल, और ये चुनाव जीती है केओनझार से। तो ये पूछा जा सकता है इस बार सबसे कम उम्र की कैंडिडेट कौन है जो चुनाव जीती है, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला हार गए हिसार से, दुष्यंत चौटाला जो है ये भी 25 साल के थे जब इन्होंने चुनाव जीता था, और चंद्रानी मुर्मू भी 25 साल की है, लेकिन फिर भी दुष्यंत से यंग है ये, दुष्यंत से कम उम्र की है ये, ठीक है। तो चंद्रानी मुर्मू केओनझार सीट से जीती है भाजपा के एमपी अनंत नायक को हराकर, केओनझार सीट से। तो बीजेपी का पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर है तेजस्वी सूर्या। और अगर यहां पे बीजेपी वर्ड नहीं होता, ये पूछते कि भाई यंगेस्ट कैंडिडेट कौन सा है, तो आंसर होता चंद्रानी मुर्मू। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ नहीं हुए इस बार, ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ नहीं हुए? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या सिक्किम? इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में नहीं हुए। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, सिक्किम के बने हैं अभी नए पी गोवलू, ऐसे कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। उड़ीसा के नवीन पटनायक ही बने रहेंगे, और चौथा था अरुणाचल प्रदेश जहां पे पेमा खंडू जीत गए, तो अरुणाचल था। तेलंगाना में नहीं हुए थे लोकसभा और जो है विधानसभा के साथ साथ। इनमें से मध्य प्रदेश में कौन सी एकमात्र ऐसी सीट है जो बीजेपी नहीं जीती? मध्य प्रदेश में कौन सी एकमात्र ऐसी सीट है जो बीजेपी नहीं जीती? छिंदवाड़ा, धार, विदिशा या इंदौर? इसका आंसर है छिंदवाड़ा। यहां पे जो कमलनाथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बेटा नकुल नाथ जीता है यहां से कांग्रेस का, तो ये बस यहां पे एक नहीं जीत पाई, बाकी पूरा मध्य प्रदेश साफ कर दिया भाजपा ने, छिंदवाड़ा सीट ये नहीं जीत पाए। आपको बता दूं जो कमलनाथ है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है छिंदवाड़ा, लेकिन वो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, और छिंदवाड़ा जो है ये जो एमपी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अब हो गई है नकुलनाथ की। राजस्थान में एकमात्र सीट ऐसी कौन सी है जो भाजपा नहीं जीती? राजस्थान में एकमात्र ऐसी सीट जो भाजपा नहीं जीती, जयपुर देहात, झुंझुनू, जालौर या नागौर? इसका आंसर है नागौर। नागौर से जीते हैं हनुमान बेनीवाल, और ये हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन इन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, मतलब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, पर ये बीजेपी के नहीं है, ये हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के।
इस बार जो लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला कौन रही? लोकसभा चुनाव जीतने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला, मेनका गांधी, रंजन बैन भट्ट, किरण खेर या प्रणीत कौर? इनका नाम है प्रणीत कौर, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ हैं, उनकी पत्नी हैं ये, और ये पटियाला से जीती हैं, ये सबसे ज्यादा उम्र की हैं। इनमें से कौन सी महिला एमपी हैं जिनका सबसे कम विनिंग मार्जिन रहा, यानी सबसे कम वोटों से जीती हैं, ऐसी कौन सी महिला हैं? मेनका गांधी, रंजन बैन भट्ट, किरण खेर या गोडेटी मधावी? आंसर है मेनका गांधी। तो मेनका गांधी जो हैं वो सबसे कम वोटों से जीती हैं, सिर्फ 14,500 वोटों से जीती हैं। आपको बता दूं, मेनका गांधी पहले पीलीभीत से चुनाव लड़ती थी और इनका बेटा वरुण गांधी लड़ता था सुल्तानपुर से। अब इन्होंने सीटें बदल ली, इस बार वरुण गांधी लड़ा है पीलीभीत से और मेनका गांधी लड़ी है सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर से मेनका गांधी सिर्फ 14,500 वोटों से जीती हैं लगभग। और सबसे ज्यादा वोटों से कौन महिला जीती अगर पूछें तो आंसर है रंजन बैन भट्ट वडोदरा से, ये जीती हैं लगभग 6 लाख वोटों से, 5.89 लाख। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे अमीर महिला प्रत्याशी कौन थी तो आंसर है हेमा मालिनी, इनकी संपत्ति थी 250 करोड़ जो उन्होंने लिखवाई थी अपनी। और सबसे गरीब थी गोडेटी मधावी, वाईएसआर कांग्रेस की, ये जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है वो है ये वाईएसआर कांग्रेस आंध्रा में। गोडेटी मधावी जो हैं इनकी संपत्ति सबसे कम थी, इनकी संपत्ति थी सिर्फ 1 लाख रुपये। और सबसे अमीर थी हेमा मालिनी, इनकी संपत्ति थी, इन्होंने लिखवाई थी जो 250 करोड़। क्लियर। और प्रणीत कौर की जो एज है वो 74 है, जो मैंने आपको बताया था 74। चलिए, इस बार जो सबसे अमीर कैंडिडेट थे, सबसे अमीर, उनका नाम है रमेश कुमार शर्मा, इनकी संपत्ति लगभग 1100 करोड़। लेकिन ये हार गए, हारे भी क्या, बहुत बुरी तरह हारे, पर ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे इस बार। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे ये रमेश कुमार शर्मा? ये इस बार के लोकसभा में सबसे अमीर कैंडिडेट थे, इनकी संपत्ति है 1100 करोड़, इनको वोट मिले सिर्फ 1500, बस सिर्फ 1500। ये हार गए, निर्दलीय खड़े हुए थे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए थे? ये खड़े हुए थे पाटलिपुत्र, यानी पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र से खड़े हुए थे, यहां पे रामकृपाल यादव जीते हैं मीसा भारती को हराकर। तो पाटलिपुत्र इज द आंसर। इस बार नन ऑफ द अबव के जो वोट आए, 8,17,000, सबसे ज्यादा नन ऑफ द अबव के वोट कौन से राज्य से आए? टोटल मिला के 8,17,000 नन ऑफ द अबव नोटा के जो वोट हैं वो लोगों ने डाले, ये कौन से राज्य से आए? ये राज्य है बिहार, बिहार से आए 8.17 लाख। इस बार लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं, कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? 11, 4, 5 या 9? इसका आंसर है 4, सिर्फ 4। कौन कौन है ये? एक तो है सुमलता अंबरीश, ये कन्नड़ फिल्मों के जो एक्टर हैं अंबरीश, जिनकी लास्ट ईयर डेथ हुई थी, उनकी वाइफ हैं सुमलता अंबरीश, निर्दलीय। इन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी को हरा दिया मांड्या सीट से कर्नाटका में, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर माना जाएगा। सुमलता अंबरीश जीती हैं। दूसरे निर्दलीय हैं नवनीत रवि रानी अमरावती से, नवनीत रवि रानी, नब कुमार सरनिया कोकराझार से, कोकराझार आसाम में है। डेलकार मोहन भाई सांझी भाई, ये दादरा नगर हवेली से निर्दलीय। तो इस बार सिर्फ 4 कैंडिडेट थे निर्दलीय जो जीत पाए। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक ही सीट जीती है, वो कहां से जीती है? आम आदमी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में एक ही सीट जीत पाए, वो कहां से जीती? होशियारपुर, संगरूर, आनंदपुर साहिब या फतेहगढ़ साहिब? ये सीट मिली भगवंत मान को, जो जाने माने एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं, और संगरूर से जीती उन्होंने। और आज का आखिरी सवाल, इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे पहला वोट डालने का सम्मान कौन सी भारत की सेना को मिला? सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स? इनमें से कौन सी सेना को यह सम्मान मिला इस बार कि वो सबसे पहला वोट डालें, फर्स्ट वोट?
सबसे पहला वोट डाला इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स ने, अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में डाला, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में डीआईजी हैं सुधाकर महाजन, उन्होंने पहला वोट डाला। अगर व्यक्ति पूछे तो आंसर है सुधाकर महाजन, डीआईजी हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स में, लोहितपुर अरुणाचल प्रदेश में पहला वोट डाला गया। सो यहीं पे ये क्विज खत्म होता है। आपका स्कोर कितना आया? अगर आपने 25% स्कोर किया तो मैं आपको शाबाशी देता हूं, अगर स्कोर नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं, ये कोई कौन का करोड़पति तो था नहीं जब आपको लाखों करोड़ रुपये मिल जाएंगे। तो बस ये आपके अपने नॉलेज टेस्ट करने के लिए था कि जो बारीकी से चुनावी विश्लेषण देखता है, चुनाव जिसे पसंद है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देखें वो आपसे क्या ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं। और ये पूरा क्विज जो है मैंने बैठ के तब बनाया था जब मैं एनालिसिस देख रहा था 23 तारीख को, तब मैंने ये बनाया था। तो ये क्विज आपको कैसा लगा मेरे द्वारा बनाया हुआ, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग, मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ और फेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ। मिलते हैं फिर, रेगुलर वीडियो जारी रहेंगे स्टडी आईक्यू पे। थैंक यू सो मच।